हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे ME208 के यूनिट नंबर 8 के पर्टिकुलर टॉपिक फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। ओके, इससे पहले हमने हीट इंजन के बारे में बात की थी, देन उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ हीट इंजन पढ़ा था, इंटरनल कंबसन इंजन, एक्सटर्नल कंबसन इंजन। उसके बाद हमने इंटरनल कंबसन इंजन की टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन पढ़ा था, एंड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि फोर स्ट्रोक इंजन होते क्या है। स्ट्रोक के बारे में हमने पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन TDC टू BDC दैट इज़ नोन एज स्ट्रोक, एंड यहाँ पे हमें स्टडी करना है फोर स्ट्रोक। दैट मीन्स वो इंजन जो अपने बेसिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए फोर टाइम्स पिस्टन का BDC से TDC के बीच में मोशन करता है, दैट इज़ नोन एज फोर स्ट्रोक। कौन कौन से बेसिक प्रोसेस होते हैं फोर स्ट्रोक इंजन में? आपका सक्शन होता है, सक्शन प्रोसेस को फ्यूजन प्रोसेस भी बोलते हैं, देन कंप्रेशन प्रोसेस होता है, उसको संपीड़न प्रोसेस भी बोलते हैं, दहन जिसको कंबशन बोलते हैं, एक्सपेंशन प्रोसेस जिसको प्रसार प्रक्रम भी बोलते हैं, और लास्ट आपका एग्जॉस्ट जिसको रेचन प्रक्रम बोलते हैं। ओके, तो ये बेसिक 5 प्रोसेस हैं, इनकी हेल्प से ही इंजन आपका केमिकल एनर्जी को वर्क में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इंजन का क्या वर्क है? इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करती है, और वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। ओके, तो इन प्रोसेसेस की हेल्प से इंजन केमिकल एनर्जी को वर्क में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और यदि ये प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए इंजन के फोर स्ट्रोक्स की रिक्वायरमेंट है, तो दैट इंजन इज नोन एज फोर स्ट्रोक इंजन। यदि इन्हीं प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए टू स्ट्रोक्स की रिक्वायरमेंट है इंजन में, तो उस इंजन को क्या बोलते हैं, टू स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। ओके, और स्ट्रोक आपको पता है TDC टू BDC के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं स्ट्रोक। ओके, तो फोर स्ट्रोक का मतलब फोर टाइम्स पिस्टन आपका TDC टू BDC क्या करेगा, मोशन करेगा, टू कंप्लीट दीज स्ट्रोक्स, सॉरी टू कंप्लीट्स दीज प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सक्शन के बारे में और चूषण के बारे में। ओके, तो सक्शन प्रोसेस और चूषण प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये डायग्राम। ओके, तो इसमें नीचे लिखा है इनटेक, इनटेक भी बोल सकते हैं, सक्शन भी बोल सकते हैं और चूषण भी बोल सकते हैं। ओके, तो जब सक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है उस समय आपका पिस्टन जो होता है वो TDC पे होता है। कहाँ पे होता है? TDC पे। ओके, और कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक क्या होते हैं? एक ही लाइन में होते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका पिस्टन और जैसे क्रैंक रोटेट करेगी, पिस्टन क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम जनरेट होगा और इनलेट वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैमशाफ्ट, जो कि कल मैंने मैकेनिज्म बता दी थी कि जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट करती है तो क्रैंकशाफ्ट से गियरिंग मैकेनिज्म से कैमशाफ्ट कनेक्ट होती है, तो कैमशाफ्ट भी रोटेट होगी और कैमशाफ्ट पे कैम माउंटेड होते हैं और कैम के ऊपर एक पुश रोड लगी होती है, पुश रोड से एक लीवर मैकेनिज्म कनेक्ट होती है, उस लीवर मैकेनिज्म से फाइनली ये आपका वॉल सीट कनेक्ट रहती है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी क्रैंक रोटेट करेगी, कैमशाफ्ट रोटेट करेगी, कैमशाफ्ट रोटेट करेगी तो कैम रोटेट करेगी, और कैम रोटेट करेगी तो कैम की जो पुश रोड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर उठेगी, और लीवर मैकेनिज्म की वजह से आपका इस टाइप से लीवर मैकेनिज्म होती है, तो इस यहाँ से आपकी पुश रोड इसको ऊपर उठाएगी, तो सेकंड पार्ट जो है, सेकंड एंड है लीवर का, वो क्या जाएगा, डाउनवर्ड, और सेकंड एंड से ही आपका ये वॉल सीट कनेक्ट रहती है, तो ये डाउन जाएगा तो आपका इनलेट वॉल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक, तो
यहाँ पे कनेक्टिंग रोड और उसके बाद ये आप क्रैंक, दोनों ही क्या होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। और जैसे ही आपकी ये क्रैंक रोटेट करेगी, इनलेट वाल्व क्या होगा, ओपन होगा, और पिस्टन उस टाइम कहाँ किस पोजीशन पे होता है, टीडीसी पे। ओके, तो पिस्टन क्या करेगा, डाउनवर्ड मोशन करेगा। तो डाउनवर्ड मोशन करेगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, सक्शन और सॉरी वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, और वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और इनलेट वॉल्व क्या है, यहाँ पे ओपन है, तो फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर और कह सकते हैं चार्ज कार्बोरेटर से यहाँ पे इस ओपनिंग के थ्रू कहाँ एंटर कर जाएगा, सिलेंडर के अंदर एंटर कर जाएगा। और पिस्टन क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और ये चार्ज तब तक एंटर करेगा जब तक आपका पिस्टन कहाँ पे पहुँचेगा, बीडीसी। जब पिस्टन बीडीसी पे पहुँच जाएगा, उसके बाद इनलेट वॉल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, देन क्रैंक रोटेट करेगी वापस यहाँ, और क्रैंक रोटेट करेगी तो ये पिस्टन क्या करेगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ क्या करेगा, वापस से मूव करेगा। और कौन सा प्रोसेस होगा, संपीड़न होगा। अब जो चार्ज था उसको क्या करेंगे, हम कंप्रेस करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए कंप्रेशन प्रोसेस, तब चार्ज पिस्टन क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और चार्ज को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो इनलेट वॉल्व पहले से क्लोज हो चुका है और एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज ही था पहले से, दैट मीन्स ये क्लोज चैम्बर है, उसमें पिस्टन क्या कर रहा है, इस चार्ज को क्या कर रहा है, स्वैप कर रहा है और डिस्प्लेस कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। और चार्ज का वॉल्यूम क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। और कंप्रेशन प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, और प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट मीन्स चार्ज का प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कंप्रेशन प्रोसेस में, और वॉल्यूम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पिस्टन के आपको आपको डायरेक्शन मूव कर रहा है, और चार्ज को क्या कर रहा है, कंप्रेस। ओके, जब पिस्टन टीडीसी पे पहुँच जाएगा, टीडीसी पे पहुँच जाएगा, तब चार्ज का प्रेशर और टेम्परेचर हाईएस्ट होगा आफ्टर कंप्रेशन। ओके, देन आप देन स्पार्क प्लग से क्या होगा, स्पार्क होगा, और स्पार्क होगा तो चार्ज का टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही ये टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो फ्यूल क्या हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा, तो फ्यूल का कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूल का स्पार्क प्लग में स्पार्क हुआ, फ्यूल का कंबशन हो गया। जैसे फ्यूल का कंबशन होगा, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी एंड प्लस में फ्लू गैसेस जनरेट होंगी। तो हीट जनरेट होगी तो फ्लू गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की फ्लू गैसेस इस पिस्टन के ऊपर क्या लगाएंगी, प्रेशर लगाएंगी और फोर्स लगाएंगी। और जैसे ये फ्लू गैसेस फोर्स लगाएंगी तो ये पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगी, पुश करेंगी, और पिस्टन क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट। पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसकी वजह से ये कनेक्टिंग रोड यहाँ पे फोर्स लगाएगी क्रैंक के एंड पे, और क्रैंक क्या करेगी, रोटेट करेगी। दैट मीन्स ये जो फ्लू गैसेज हैं इन्होंने प्रेशर फोर्स लगाया पिस्टन पे, और पिस्टन फोर्स लगने की वजह से पिस्टन डाउनवर्ड मूव किया, और डाउनवर्ड मूव किया तो ये क्रैंक क्या करना स्टार्ट कर देगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, और हमें क्या मिल जाएगा, वर्क आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जब आपका यहाँ पे चार्ज कंप्रेस हो गया था, इसके बाद स्पार्क प्लग से स्पार्क हुआ और क्या हो गया, कंबशन हो गया, दहन हो गया। ठीक है, और दहन के बाद जैसे ही प्रेशर एंड टेम्परेचर हाई हुआ, क्योंकि दहन का कहाँ पे होगा, जब पिस्टन कहाँ पे होगा, टीडीसी पे होगा, दहन के बाद आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की जो फ्ल्यू गैसेज हैं वो फोर्स लगाती है पिस्टन पे, तो पिस्टन क्या करता है, डाउनवर्ड मूव करता है, और उस पिस्टन के डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से क्रैंक भी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और हमें क्या मिलता है, वर्क आउटपुट। जो पिस्टन का डाउनवर्ड मूवमेंट है, जो पिस्टन का डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो गैस का क्या होगा, और फ्लू गैसेज का क्या होगा, प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया आपका, एक्सपेंशन प्रोसेस होगी। ठीक है, तो जो दहन प्रोसेस है वो जो पिस्टन कहाँ पे है, टीडीसी पे,
उसी टाइम दहन प्रोसेस होगा और कंबसन प्रोसेस होगा, और कंबसन प्रोसेस की वजह से टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई होगा। देन उस टेम्परेचर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से गैसेज फोर्स लगाएंगे पिस्टन पे, और उस फोर्स की वजह से पिस्टन क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस और प्रसार प्रक्रम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पिस्टन डाउनवर्ड जाता है, क्रैंक रोटेट करती है, और क्रैंक रोटेशन की वजह से वर्क आउटपुट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, पिस्टन क्या कर रहा था लास्ट केस में, प्रसार में डाउनवर्ड मूव कर रहा था, और कहाँ पहुँच गया था, बीडीसी पे। अब जैसे ही पिस्टन बीडीसी पे पहुँचता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, क्योंकि इनसाइड द सिलेंडर क्या है, प्रेशर हाई है गैसेज का, एटमोसफियर में जो गैसेज है उनका प्रेशर क्या है, एटमोसफियर प्रेशर है। तो जैसे ही एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस कुछ गैसेज क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी इससे ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, तो इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ गैसेस फिर भी फिलअप होंगी, तो इन गैसेस को भी हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट साइकिल में वापस से हम ये रिपीटेशन नहीं होगा, नेक्स्ट इनिशियल कंडीशन में इंजन नहीं पहुँचेगा, पर इनिशियल में नहीं पहुँचेगा तो आपका इनटेक प्रोसेस वापस से स्टार्ट नहीं होगा। तो जो ये फ्लू गैसेज, इनको क्या करना पड़ेगा, हमें आउट करना पड़ेगा। तो अब जो फ्लू गैसेज इसके अंदर रह गई हैं, तो पिस्टन कहाँ था, बीडीसी पे था। अब क्रैंक रोटेट करेगी और पिस्टन को क्या करेगी, अपवर्ड मूव कराएगी, और जैसे पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, ये गैसेज को क्या करेगा, पुश करेगा, और एग्जॉस्ट वॉल से क्या कर देगा, इनको बाहर कर देगा, और कहाँ पहुँच जाएगा पिस्टन, टीडीसी, कहाँ पहुँच जाएगा, टीडीसी पे पहुँच जाएगा। देन क्रैंक वापस से रोटेट करेगी, पिस्टन क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा, इनलेट वॉल ओपन होगा और फ्यूल इन होगा, देन नेक्स्ट कंप्रेशन प्रोसेस होगा, देन कंबशन एक्सपेंशन एंड वापस से एग्जॉस्ट प्रोसेस हो। इस तरह से आपके फोर प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर बेसिक प्रोसेस को कंप्लीट करने में कितनी बार पिस्टन अप एंड डाउन मोशन किया, 1 ड्यूरिंग इनटेक, अप ड्यूरिंग कंप्रेशन, दैट मीन्स 2, थर्ड पावर में वापस से नीचे, देन एग्जॉस्ट में अपर, दैट मीन्स यहाँ पे पिस्टन 2 times अपवर्ड मूव कर रहा है, 2 time डाउनवर्ड मूव, दैट मीन्स पिस्टन 4 times मूव कर रहा है बिटवीन TDC एंड BDC। दैट्स वाई दिस इंजन इज नोन एज 4-stroke इंजन। ओके, एक बार यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसको। जब इनटेक और सक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब आपका पिस्टन जो होता है वो TDC पे होता है, और जैसे इनटेक प्रोसेस स्टार्ट होगा, इनलेट वॉल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आपका फ्यूल चार्ज आना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो गया। और स्टार्ट क्यों होगा, फ्यूल चार्ज आना इनसाइड द सिलेंडर, पिस्टन क्या करेगा इसमें, डाउनवर्ड मूव करेगा, क्योंकि क्रैंक रोटेट होगी, और पिस्टन क्या करेगा, BDC की तरफ जाने लगेगी, नीचे की तरफ। और पिस्टन नीचे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सक्शन क्रिएट होगा, और यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा, और कार्बोरेटर में क्या है, नॉर्मल प्रेशर है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ प्रेशर डिफरेंस की वजह से कार्बोरेटर से क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक आएगा चार्ज, जब तक आपका पिस्टन कहाँ पर पहुँचेगा, BDC। ओके, तो ये चार्ज इन हो जाएगा, ठीक। और ड्यूरिंग, अब नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस होगा, कंप्रेशन प्रोसेस होगा। अब आपका जो पिस्टन होगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा, BDC से TDC जाएगा, इसके अंदर चार्ज क्या हो गया, सिलेंडर के अंदर फिल हो गया, इनलेट वॉल क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, तो इस चार्ज को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और प्रेशर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ा देगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपका पिस्टन TDC पे पहुंच जाएगा और कंप्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो चार्ज यहाँ पे फिलअप होगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर हाई होगा, स्पार्क प्लग से स्पार्क होगा, स्पार्क प्लग से क्या होगा, स्पार्क होगा, और ये इसका क्या होगा, कंबशन होगा, इसका कंबशन होगा तो प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ेगा फ्लू गैसेज का, और फ्लू गैसेज इस पर क्या कर, पिस्टन पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, पिस्टन क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, और इस पिस्टन के डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से क्रैंक क्या करेगी, रोटेट करेगी, और हमें क्या मिलेगा, वर्कआउट। अब पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो आपको कौन सा प्रोसेस हो गया,
एक्सपेंशन प्रोसेस हो गया। पिस्टन कहाँ पहुँच गया, बीडीसी। अब एग्जॉस्ट वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस गैसेज क्या होंगे, एग्जॉस्ट गैसेज क्या होंगे, फ्लू गैसेज बाहर चली जाएंगी, लेकिन जैसे ही प्रेशर इनसाइड और आउटसाइड इक्वल हो जाएगा तो गैसेज बाहर जाना बंद हो जाएगी, तो पिस्टन क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा और इन गैसेज को फोर्स अप्लाई करेगा और इनको क्या कहाँ एग्जॉस्ट वॉल्व से क्या करेगा बाहर भेज देगा, और पिस्टन कहाँ पहुँच जाएगा, टी डी सी। तो यहाँ पर पिस्टन फोर टाइम्स अप एंड डाउन किया है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोर स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। ठीक है, फॉर स्ट्रोक इंजन का जो इनटेक प्रोसेस होता है, सक्शन प्रोसेस होता है, तो ड्यूरिंग सक्शन प्रोसेस क्रैंक रोटेट करती है, और क्रैंक के रोटेशन की वजह से पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है टीडीसी से बीडीसी, एंड ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक क्रैंक रोटेशन की वजह से पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है और कंप्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है, एंड ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक और एक्सपेंशन स्ट्रोक पिस्टन मूव करता है ड्यू टू फ्लू गैसेज फोर्स पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है, और उसकी वजह से क्या होती है, क्रैंक रोटेट करती है। तो लास्ट जो टू प्रोसेस थे, इनटेक एंड कंप्रेशन, उसमें क्रैंक रोटेट कर रही थी और क्रैंक रोटेशन की वजह से पिस्टन अप एंड डाउन मूव किया था, लेकिन पावर स्ट्रोक और एक्सपेंशन स्ट्रोक में पिस्टन पे फोर्स लग रहे हैं उसकी वजह से पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर रही है, और उस पिस्टन के डाउनवर्ड मोशन की वजह से क्रैंक रोटेट कर रही है। यहाँ पे क्रैंक पिस्टन को रोटेट नहीं करा रही, पिस्टन किसको रोटेट करा रहे, क्रैंक को। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जॉस्ट स्ट्रोक में वापस से क्रैंक रोटेट करेगी और पिस्टन को क्या कराएगा, अपवर्ड मूव कराएगा। ओके, तो यहाँ पे जो थ्री प्रोसेस हैं, इनटेक, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट, इन तीनों स्ट्रोक्स में आपका क्रैंक रोटेट करती है और क्रैंक की वजह से पिस्टन क्या करते हैं, अप एंड डाउन मोशन करते हैं, लेकिन पावर स्ट्रोक में पिस्टन के डाउनवर्ड मोशन की वजह से क्रैंक रोटेट करती है और हमें क्या मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है। दैट मीन्स फोर स्ट्रोक इंजन में पावर स्ट्रोक में ही हमको पावर मिलती है, बाकी थ्री जो प्रोसेस हैं, इनटेक, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट प्रोसेस, उसमें आपको पावर इनपुट देना पड़ता है, क्रैंक क्या करती है, पावर इनपुट देती है। ठीक है, तो जो पावर स्ट्रोक में हमें पावर मिलती है वो जितना हमें इंजन में को या बाइक और ट्रक या कोई भी इंजन है, जितना भी हमें रिक्वायरमेंट, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है इंजन में, और कुछ पावर फ्लाई व्हील में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, जो एक्स्ट्रा पावर होती है, जो इंजन एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस करता है जितनी रिक्वायरमेंट है। ओके, ये सब बाकी चीज़ें आप थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ोगे, लेकिन अभी बस केवल इतना ही समझ लीजिए कि जो हमें पावर रिक्वायरमेंट होती है, जितना हमें टॉर्क रिक्वायर है, ओके, रेजिस्टेंस टॉर्क, ओके, तो उससे ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उससे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होती है इंजन में। तो जितना रिक्वायर है वो तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है इंजन को रन करने के लिए, पावर प्रोड्यूस के लिए, जहाँ पे भी, ठीक है, वहाँ पे इतना खर्च हो जाता है, चला जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पावर और एक्स्ट्रा टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है वो कहाँ स्टोर हो जाता है, आपका फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाता है। और वो पावर कहाँ पे, जब आपको सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है और एग्जॉस्ट प्रोसेस होता है, तो वो पावर आपको फ्लाई व्हील से क्रैंक के थ्रू आपको मिलती है, और आप जो पिस्टन होता है वो क्या करता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करता है। तो जो पावर इनटेक, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक में रिक्वायर होती है वो कहाँ से मिलती है, फ्लाई व्हील से। और वो फ्लाई व्हील को कहाँ से मिलती है, जो पावर स्ट्रोक में जो एक्स्ट्रा पावर मिलती है वो फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाती है, और जब इंजन में रिक्वायर होती है इनटेक, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट प्रोसेस में, तो फ्लाई व्हील से कहाँ पर आ जाती है, आपकी इंजन पिस्टन को ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, बाकी डिटेल में ये फ्लाई व्हील और पावर कैसे स्टोर होती है, ये सब हम थ्योरी ऑफ मशीन में